अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक छोटा सा सरप्राइज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो सरप्राइज़ ये था कि आज हमारी फैमिली में एक और छोटे से बल्कि बड़े से बड़े से एक पैट का मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। दिस इज़ सिम्बा। तो ये सिम्बा हैं, ये आज ही आए हैं और इनको मैंने अडॉप्ट किया है। इनका केस ये था कि ये एक मेरी एक दोस्त बनी है नेट पे, वो उन्होंने इनको कहीं से रेस्क्यू किया था और ये बहुत बुरे ज़ख्मी हालत में थे। इनको मैंने शर्ट पहनाई हुई है बिकॉज इनको पूरा शेव किया हुआ है। इनकी जो फुल बॉडी है वो जगह जगह से ज़ख्मों से भरी हुई थी। तो जिन लेडी ने इसको रेस्क्यू किया था, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवाया तकरीबन 1 से 2 मंथ्स, और ये कंटिन्यू हॉस्पिटल में था। और जैसे ही आज ये डिस्चार्ज हुआ है तो इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया है। तो सिम्बा के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये माशाल्लाह से 8 साल के हैं, और ये जिस ब्रीड के हैं ये वाली पाकिस्तान में आई थिंक कॉमन नहीं है। बिकॉज पर्सनली मैं ये वाली ब्रीड का पैट जो है फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो अभी ये बहुत नींद में है क्योंकि जब ये आए हैं तो इनके पास से दवाइयों वगैरह की बहुत स्मेल से आ रही थी। तो इनको मैंने पहले आके नहलाया धुलाया, और उसके बाद फिर नहलाने के बाद जब मैंने इनको कपड़े वपड़े चेंज करवाया तो ये बहुत सुकून में सो रहे हैं। बस खाने वाने के लिए एक दफ़ा उठे थे और दैट्स इट। सो ये कंटिन्यू सो रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं आपको इनका फेस दिखाऊँ। सिम्बा वेक अप प्लीज़। सिम्बा इधर देखिए, बोलो, ज़बान निकाल ली। तो अभी तो ये सो रहे हैं। तो इनके बारे में आतका की क्या राय है, आइए आतका से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतका। तो मैंने इसको एक बार देखा है और ये बहुत अच्छे हैं। एक तो ये चुलबुलाट बेला, ये ऊपर नीचे होती रहती है। आप मुझे ये बताओ आतका कि आपको सिम्बा से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा गुबलू सा, ये शेर खान है। अच्छा, आतका को भी ये बहुत अच्छा लगा, और हमारे अभी तक जितने लोगों ने इसको देखा है सबको ये बहुत क्यूट लगा। ये जब से आए हैं ना तो ये किसी को इन्होंने मारा है, ना ये पैरट के पीछे जा रहे हैं। इनका बिल्कुल भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। और बेला एक सेकंड के अंदर अंदर फिर से गायब। ये नहीं, अच्छा बेला साहबा। तो ये हमारी मैडम है बेला। अस्सलाम वालेकुम बेला, मेरी छोटी छोटी बेला। कितनी फ्लफी है। हाँ, तो बेला के बारे में एक मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि जब से ये सिम्बा साहब आए हैं तो ये इनसे इतना घबरा रही हैं बिकॉज दोनों की ब्रीड बिल्कुल डिफरेंट है, और माशाल्लाह वो काफ़ी हेल्दी और बड़े हैं। तो ये उनसे इतना डर रही हैं कि जब ये सिम्बा को मैं लेकर आई हूँ तो ये डर के मारी मेरी गोद में चढ़कर चिपक गई थी मुझसे। और आपका एक सेकंड, तो क्या कहते हैं, आपका ये चींटियाँ नहीं हैं और वो कुछ नहीं कहेंगी, आप परेशानी हो। तो क्या कहते हैं कि इनका ये रिएक्शन था और ये डर के मारे कमरे में जाके छुप गई थी मेरी गोश्त उतर के। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी और सिम्बा की आपस में दोस्ती हो जाए। जहाँ तक रही सिम्बा की बात, तो सिम्बा का बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि वो इनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि वो अभी थोड़ा सा बीमारी की हालत से उठे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो वो ज़्यादा किससे भी बढ़ चढ़ के बातचीत नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पर जब से मैंने नहलाया है उनको तो वो अभी कंटिन्यू रेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी दोस्ती कहाँ तक जाती है, और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इनको एक दूसरे की आदत हो जाएगी तो इनकी दोस्ती भी जाएगी। जी कहिए आपका। मैं कह रही हूँ हमारे पास 3 पेट हो गए, एक ये बिल्ली, फिर दूसरा बिल्ला, फिर तीसरा तोता। हमने अभी छुपा के रखा, छुपा के, मतलब सेफ्टी के लिए। सो वैसे तो खैर जो ये बेला मैडम है इनका पैरट की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो सिम्बा आए हैं उनको बिल्कुल भी इस तरफ कोई उनको वो नहीं है कि पैरट है या क्या है, वो बस अपने आराम सुकून में हैं। और जो एक मज़े की बात है कि आज आए हैं तो मैं इनको टब, इनका मैंने एक बनाया हुआ है इनके, क्योंकि मैं इनको ट्रेन करना चाहती थी तो इनको मैंने सू सू करके हवा निकाली, तो उन्होंने वहाँ पर जाके फिशी कर ली। सो ये भी थोड़ा सा मुझे आसानी हो गई कि दोनों पैट्स जो हैं मेरे वो ईज़ीली ट्रेंड हैं। और एज मैं क्योंकि रूम से बाहर हूँ तो मेरे मिठू साहब कंटिन्यू मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो हम चलते हैं मिठू की तरफ भी। तो ये रहे हमारे मिठू साहब, आइए मिठू। आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपको कंटिन्यू बंद रखा हुआ है, तो आइए बिल्ली का देख लें। कोई मसला नहीं है। तो ये है हमारे, ये मेरे पास जो मेरा पैरट है माशाल्लाह से 6 साल की इसकी एज है, और ये 6 साल से मेरे पास है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है।
ये भी आपसे बहुत अटैच है, और ये जेलिस भी बहुत होता है आदका से। आदका ये बहुत दफ़ा नहीं, आदका को काट चुका है, आदका से बहुत जेलिस होता है, क्योंकि जो भी बच्चा या कोई भी पैट मुझसे अटैच हो तो इनको बहुत जेलिसी होती है। तो सिम्बा अभी सोने में मसरूफ़ हैं, मैं चाहती हूँ ये जब उठें तो मैं आपको इनका फ़ेस वगैरह दिखाऊँ। माशाल्लाह से बेहद क्यूट हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा कि जल्दी से रिकवर हो जाएं प्रॉपर और हेल्दी हो जाएं। सो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।